प्रियंका गांधी अपने अपने परिवार में एक बहुत बड़े टैलेंट है। तो इस जब पॉलिटिक्स में वो आएंगी प्रियंका गांधी, तो पॉलिटिक्स का कोई रूप अलग देखने को मिल सकता है ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन वो समय ले रही है कि पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना है, ये सोच रही है। तो प्रियंका गांधी जी जब आएंगे तो देश का कुछ अलग हो जाएगा ऐसा लगता है लोगों को। अपनी नानी की तरह वो दिखती है प्रियंका जी, इंदिरा जी, स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी की जैसी वो दिखती है। और उनका जो बोलने का ढंग है तो इंदिरा जी से मिलता जुलता है। जब राजीव गांधी बोलते थे कि हमारी माँ जैसी ये लड़की हुई है तो माँ जैसी भी ये तरीके कर सकेगी करेगी ऐसा राजीव गांधी जी को ये भरोसा था। लेकिन वो ये दिन देखने के लिए वो आज जिंदा जिंदा नहीं है। तो प्रियंका जी को भारतीय पॉलिटिक्स में आना चाहिए। कांग्रेस के बड़े बड़े लोग भी ये सोचते हैं कि प्रियंका जी को इस राजकारण में आना चाहिए। अभी राहुल गांधी का जो है थोड़ा इम्प्रेशन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन सोनिया जी का बहुत बड़ा सपोर्ट राहुल गांधी के साथ है। फिर भी बहन प्रियंका को पॉलिटिक्स में लाने के बाद कुछ अलग दिख सकता है। कांग्रेस का जो पूरा टोटल उनका जो रूट्स है वो पूरे देश में पहुंच गए हैं। लेकिन ये कांग्रेस को और बेहतरीन बनाने के लिए और अच्छा पार्टी बनाने के लिए पार्टी में जो भी जो कुछ गलती है वो सुधारने के लिए ये प्रियंका जी को आना ही जरूरी है ऐसा सब लोगों को लगता है। और सब लोग भी इंटरेस्टेड है, उनका आने का इंतजार कर रहे हैं पॉलिटिक्स में। अभी उनके मिस्टर वडेरा इनको साथ देते हैं क्या नहीं वो भी देखना चाहिए। उनका उनकी सोच क्या है इसके बारे में, पॉलिटिक्स बारे में वो देखना चाहिए। और उनके उनके साथ भी ये बहुत सारे केसेस है जमीन के, हरियाणा के जमीन के, तो इसके नजर रखते हुए वो क्या सोचते हैं और लोगों के मन में भावना क्या पैदा होती है। प्रियंका के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, वो एक बार कोशिश करना पड़ चाहिए। उनको उनके ऊपर एक भरोसा देकर देखना चाहिए। लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए कुछ करेंगी, गरीबों के लिए कुछ करेंगी। अभी जो नेतृत्व का है, नहीं तो महिला का नेतृत्व है, तो महिला का नेतृत्व तो जरूरी है अपने देश को ऐसा लोगों को लगता है। महिला पंतप्रधान एक बार फिर होना चाहिए ऐसा लोगों को लगता है। इसीलिए लोग अपने पूरे ताकत से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है कि ये होने के बाद कुछ अलग है होगा। अभी तो कुछ इतना खास नहीं हो रहा है, महंगाई भी कुछ कम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार भी कुछ कम नहीं हो रहा है। प्रदेश स्विस बैंक का जो काला पैसा था वो आएगा ऐसा बोला जाता था, लेकिन उसका प्रदेश का रह गया और देश का काला पैसा थोड़ा थोड़ा लोग आ रहे हैं ऐसा बता रहे हैं। जो सर्जिकल ऑपरेशन किया है वो कैसा हुआ, क्या हुआ, कितने लोग मारे, इसका तो कुछ नामो निशान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है।